जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके छात्रावास अधीक्षक की भर्ती आई है छत्तीसगढ़ में, उसकी बेस्ट बुक्स के बारे में कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। तो बुक्स के बारे में अच्छे से जानने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल वाला जो आइकन है उसको जरूर दबाइएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे जो छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक की भर्ती आई है, उसके सिलेबस में आपका कंप्यूटर है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, इंडिया जीके है, छत्तीसगढ़ जीके है, करंट अफेयर्स है और बाल मनोविज्ञान है। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट उसमें आएंगे। तो अब कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, इसके बारे में आइए बात करते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर की। तो देखिए, इस वैकेंसी में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है आपका कंप्यूटर, क्योंकि आपको इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के लिए। अब यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसमें से 25 मार्क्स आपको स्कोर करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप बाहर हो जाएंगे। यानी कि कंप्यूटर में मिनिमम 50% स्कोर आपको करना होगा, नहीं तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। इसलिए और सबसे ज्यादा वेटेज भी इसी का है। तो कंप्यूटर आपसे पढ़े कहां से, तो सबसे बेहतरीन जो बुक है इसके लिए वो है अरिहंत की। अरिहंत की कंप्यूटर की बुक आती है, बहुत ही पतली सी बुक है, उसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं 15 से 20 दिन के अंदर। ठीक है, और ज्यादा महंगी भी नहीं है, आपको मार्केट में जाएंगे तो 80-90 रुपए में आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, तो सबसे बेहतरीन बुक जो अरिहंत की है। इसके अलावा एक और बुक है, या तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, लुसेंट की। लुसेंट की बुक आती है कंप्यूटर की। इन दोनों में से कोई एक बुक आप पढ़ सकते हैं, दोनों ही बेहतरीन बुक है और दोनों ही बहुत पतली सी छोटी बुक है। ठीक है ना, और दोनों लगभग 80-90 रुपए में आपको मिल जाएंगी मार्केट में, तो आप खरीद के पढ़ सकते हैं। लेकिन पढ़ना आपको केवल एक ही है, ये आप ध्यान रखें। ठीक है ना, एक बुक पढ़ना है और उसका मैक्सिमम रिविजन करना है। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी के लिए ना आप जो बुक पढ़ेंगे वो है लुसेंट की। लुसेंट हिंदी आती है, ठीक है, इस बुक को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप हिंदी में 10 में से 9 नंबर तो ला ही सकते हैं। यानी कि अगर आप सही से पढ़ लेते हैं तो 10 में से 9 या 10 में से 10 भी आप स्कोर कर सकते हैं। वो आपकी क्षमता पर है कि आप इस बुक का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो हिंदी के लिए आप लुसेंट की, सामान्य हिंदी की बुक यूज करेंगे। है ना, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में ना एक बुक आती है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम से अगर आप हैं तो उस बुक में हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज किया गया है। ठीक है, तो उस बुक से आप पढ़ सकते हैं, वो है नीतू मैम की बुक। नीतू मैम की एक बुक आती है इंग्लिश की, उस बुक से आप पढ़ सकते हैं। या अगर आप इससे ना पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं लुसेंट की बुक आती है इंग्लिश की। ठीक है, लुसेंट इंग्लिश, इस बुक से भी आप पढ़ सकते हैं। या अगर इससे भी ना पढ़ना चाहें तो और बुक भी है, ये है एसपी बक्सी की। ठीक है, इस बुक को भी पढ़ सकते हैं। तो इनमें से लेकिन ध्यान रखें कि लेना आपको केवल एक ही बुक है, जो आपकी इच्छा हो, जो आपको पढ़ना हो, आप उसमें से एक बुक ले सकते हैं। तीनों ही बेस्ट बुक है। ठीक है, आप कोई भी एक बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, तो 20 क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे आप कि आप मैथ्स के लिए ना या तो आप एसडी या दूसरे की बुक ले लीजिए, या तो आप आरएसआर गवर्नर सर की बुक ले लीजिए। इन दो में से कोई एक बुक आप ले सकते हैं मैथ्स के लिए। दोनों ही बुक बहुत अच्छी हैं, दोनों
दोनों ही बुक में से आप पढ़ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो दो में से कोई एक ही बुक लेना है मैथ्स के लिए आपको। अब बात करते हैं इंडिया जीके। तो इंडिया जीके के लिए ना आप कौन सी बुक यूज करेंगे? सबसे बेहतरीन जो बुक है शॉर्ट में और काम की चीज है ना, तो वो बुक है आपकी लूसेंट की, लूसेंट सामान्य ज्ञान। ठीक है, लूसेंट सामान्य ज्ञान आप ले लेंगे और वहीं से आप इंडिया जीके पूरा कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ जीके। तो इसके लिए आप एचआर पटेल की बुक, सर इसके लिए एचआर पटेल की बुक आती है, ठीक है, हरिराम पटेल सर की एक बुक आती है, इस बुक से आप कंप्लीट छत्तीसगढ़ का अध्ययन कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बुक में दिया रहता है, तो अगर आप इस बुक से करना चाहें तो कर सकते हैं, या अगर आप इस छत्तीसगढ़ के लिए कोई और बुक यूज कर रहे हैं तो आप उसी बुक को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आप उसी बुक को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, एक ही बुक पढ़ना है, या तो ये बुक या तो आप जो पढ़ रहे हैं उस बुक को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं करंट अफेयर्स। तो देखिए करंट अफेयर्स के लिए ना आप यूट्यूब चैनलों का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, जो मेरी राय ये है कि करंट अफेयर्स के लिए आपको किसी विशेष बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप मंथली वीडियोस, ठीक है, मंथली करंट अफेयर जिसमें कराए जाते हैं, एक वीडियो में लगभग 60-70 क्वेश्चन रहते हैं और ये आपको 30-35 मिनट में करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप 6 महीने का करेंगे तो आप 180 मिनट यानी 3 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं करंट अफेयर्स को, और अगर आप बुक पढ़ने बैठते हैं तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है ना, तो अगर आप ये वीडियोस दो दो तीन तीन बार देख लेते हैं तो आपका करंट अफेयर बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आप बुक पढ़ते हैं तो बुक पढ़ने में आपको ज्यादा टाइम भी लगेगा और उसका उतना ज्यादा उपयोग भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स में बहुत सारी चीजें होती हैं और जरूरी ये भी नहीं कि जो आप पढ़ के जा रहे हैं वही आए करंट अफेयर्स में। ठीक है ना, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मंथली करंट अफेयर्स के वीडियोस देखिए यूट्यूब पे, वहां आपको मिल जाएंगे, 30-35 मिनट में आपको हर महीने का करंट अफेयर करा दिया जाएगा, तो आप 6 महीने का करंट अफेयर देख सकते हैं एग्जाम के लास्ट के 6 महीने। ठीक है, तो आप अगर देखे होंगे तो यूट्यूब पर कई सारे चैनल इसके बारे में करा रहे हैं कोर्सेस। ठीक है, आपको पता होगा 10 नंबर का कोर्स है, आपको पता होगा कि 10 नंबर का सिलेबस है, कि 10 नंबर का ही पूछेगा। तो अगर आपका जनरल सेंस ठीक है तो आप इसमें से 5+ तो कर ही सकते हैं आराम से, अगर आप नहीं पढ़ते कुछ भी तो। और अगर आप कहीं से पढ़ना ही चाहते हैं इसको तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, किसी भी यूट्यूब चैनल का सहारा ले सकते हैं जो ये कोर्स करा रहे हैं, ये अगर 10-20 वीडियो में करा दे रहे हैं पूरा बाल मनोविज्ञान, तो आप वहां से कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आशा करता हूं कि अलग अलग सब्जेक्ट की कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करना चाहिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल वाले आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।